Good afternoon friends, welcome again on my YouTube channel Microbiology Academy by Santosh Napte. Friends, आज आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वहाँ पे अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ इमेजेस अपलोड करने हैं या फिर कोई फाइल अपलोड करनी है, तो ये गूगल फॉर्म पे गूगल क्विज में ये प्रोसेस कैसे किए जाते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन फ्यूचर यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर एडमिशन प्रोसेस, या फिर आपको कुछ एग्जाम भी ऐसे ऑनलाइन देने होंगे, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको होना जरूरी है, क्योंकि ये जो COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा एग्जाम या फिर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, तो इसीलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे कोई एडमिशन फॉर्म भरना है या मुझे कोई ऑनलाइन एग्जाम देनी है और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या फिर वहाँ पे कोई फोटो अपलोड करना है, कोई इमेज अपलोड करनी है, तो मैं अपलोड कैसे कर सकता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो ये सिंपल प्रोसेस है, कोई इमेज अपलोड करना या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना गूगल फॉर्म में, ये उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेनी स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, सो दैट्स व्हाई ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू अपलोड दिस शॉर्ट वीडियो विच एक्सप्लेन्स अबाउट हाउ टू अपलोड दैट इमेजेस, हाउ टू अपलोड दैट डॉक्यूमेंट्स और हाउ टू अपलोड दैट फाइल्स इन गूगल फॉर्म्स और इन गूगल क्विजेस. और एक बार अगर आपको ये मालूम हो गया कि चलो कैसे फाइल अपलोड करना है, कैसे इमेज अपलोड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो सेम इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका एडमिशन फॉर्म हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गूगल क्विज क्यों ना हो, सो यू कैन यूज दिस नॉलेज और यू कैन अपलोड एनी फाइल, एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी इमेजेस इन दैट गूगल क्विज और गूगल फॉर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू अपलोड इमेज, हाउ टू अपलोड फाइल और हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन दिस गूगल फॉर्म्स और इन गूगल क्विजेस. So let's start. तो students, अब हम देखेंगे how to fill this Google form, how to fill this quiz or how to fill any application form and how to upload that image, documents or files in the Google form or quiz. तो फाइल कैसे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं या फिर कोई इमेज कैसे अपलोड करनी है, ये अब मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ तक को आपको सबको पता है कि कोई लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे जब आती है तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक नाउ दिस फॉर्म इज ओपन, दिस क्विज इज ओपन. यहाँ पे मैंने सैम्पल क्विज ली है, BSc SY प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन समर 2020. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, यहाँ पे भी एक ऑप्शन मतलब आ सकता है कि द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विथ योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म और नॉट. अगर आपका ये मेल आईडी नहीं है तो आपको चेंज करके आप स्विच अकाउंट कर सकते हो. तो ये इंफॉर्मेशन, ये फॉर्म ओपन होने के बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पहले फिलअप करनी है. तो ईमेल एड्रेस, सो राइट डाउन योर ईमेल एड्रेस हियर, माइक्रोबायो संतोष 2005@gmail.com. आपका जो भी मेल आईडी रहेगा वो मेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है. उसके बाद मेल आईडी फिर से यहाँ पे पूछा है तो फिर से यू कैन टाइप हियर और यू कैन कॉपी. जस्ट सिलेक्ट दैट फर्स्ट मेल आईडी, देन कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है. सो ये होगी सेकंड प्रोसेस. उसके बाद आपको यहाँ पे
आपका नेम पूछा गया है, सो राइट डाउन योर नेम संतोष यू नपते. देन यू हैव टू राइट डाउन योर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर. सो आई विल राइट माय मोबाइल नंबर हियर 9881837268. उसके बाद आपको सीट नंबर यहाँ पे डालना है. तो आपके सीट नंबर में वहाँ पे अल्फाबेट भी रहते हैं, तो अगर यहाँ पे हम अल्फाबेट टाइप करेंगे तो ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मस्ट बी अ नंबर. सो जस्ट ओमिट दैट एंड जस्ट राइट डाउन योर सीट नंबर दैट इज इन नंबर्स. सो 1 2 3 4 एंड आफ्टर दैट, अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है. तो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट. तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मतलब जहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चंस है. नाउ दैट पेज इज ओपन. सी हियर, सी दिस इज BSc SY माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम समर 2020. सो दिस इज पेपर नंबर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वाटर. ये पहला क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन करके दिए और हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है. मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पे MCQ है, सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है, तीसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे पैराग्राफ टाइप है, फोर्थ क्वेश्चन वहाँ पे आपको फाइल या इमेज अपलोड करनी है, एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट इज चेकबॉक्स. तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस राइट आंसर. सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, ऑल ऑफ द अबव. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कोलीफॉर्म्स. तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना है, टाइप करना है. सो यू विल टाइप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज डिफाइन कोलीफॉर्म्स. आई एम नॉट गोइंग टू टाइप हियर. मतलब आपको यहाँ पे टाइप करना है. एंड देन तीसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर MBRT. अभी ये रेड एस्ट्रिक्स है, इसलिए आपको मतलब कंपल्सरी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट फॉर्म दैट क्विज कैनॉट बी सबमिटेड. सो जस्ट विल राइट हियर कोलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ. सो जस्ट आई एम राइटिंग दिस ओनली. उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स प्रोसीजर आपको पूछा गया है, सो यू कैन राइट स्टेप्स और प्रोसीजर 1, देन प्रोसीजर 2, देन प्रोसीजर 3, देन प्रोसीजर 4, देन प्रोसीजर 5. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, या फिर फाइल कैसे अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने है, या फिर इमेज कैसी अपलोड करनी है. तो ये भी सिंपल प्रोसेस है. तो यहाँ पे ऐड फाइल करके आपको दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद और ये क्वेश्चन पेपर जब ओपन हो जाएगा तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐड फाइल. सो ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दैट इज इंसर्ट फाइल. तो ये ओपन होने के बाद आपको एक फाइल यहाँ पे इंसर्ट करनी है, चाहे आपके क्विज या फिर ऑनलाइन एग्जाम के कुछ डायग्राम्स हो, या फिर एक आधा एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो, एडमिशन फॉर्म आप भर रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, या फिर कोई आपकी फोटो अपलोड करनी है. तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद, अगर आपका मोबाइल आपके पास है या फिर मोबाइल से आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे माई फाइल्स ओपन हो जाएगा और उसमें आपके इंटरनल मेमोरी एंड SD कार्ड करके ओपन हो जाएगा. मतलब जो भी फोटो उसमें है आपके इंटरनल मेमोरी में या फिर आपके SD कार्ड पे, वो पूरे के पूरे ओपन हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड्स, वहाँ पे भी आपको डाउनलोड्स दिखेंगे. देन इमेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सब फाइल आपको मोबाइल में भी दिखेंगे. तो यहाँ पे जो फाइल मुझे अपलोड करनी है, सो दैट फाइल इज इन डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे मैंने फाइल की है, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपका था कि टेक फोटो एंड अपलोड दैट फोटो. मतलब आपके आपको पहले ब्लैंक पेपर के आपकी इमेज या आंसर आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल. उसके बाद उसका फोटो आपको लेना है. वो फोटो लेने के बाद वो पूरा जो फोटो है वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा. और ऐड फाइल क्लिक करने के बाद ये ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी जो फोटो आपने निकाली थी वो वहाँ पे सेव रहेगी. तो यहाँ पे जो फोटो मैंने निकाली है दैट इज ऑफ MVIC टेस्ट, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू
इनविक टेस्ट, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगी वो जो आपकी फाइल रहेगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो इमेज हो, या चाहे फिर कोई फाइल हो या आपका फोटो हो। तो बाद में आपको क्या बोलना है, अपलोड पे क्लिक करना है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट अपलोड, सो दैट फाइल गेट अपलोडेड हियर। सी दिस इज द क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल पॉजिटिव यूमिक टेस्ट ऑन एनी ब्लैंक पेपर, टेक ए फोटो ऑफ दैट डायग्राम एंड अपलोड हियर। मतलब यहाँ पे आपको यूमिक टेस्ट की पॉजिटिव जो टेस्ट है उसकी डायग्राम निकालनी थी ब्लैंक पेपर पे, उसके बाद उसका फोटो लेना था, और फोटो लेने के बाद वो फोटो आपको यहाँ पे इस गूगल फॉर्म में, गूगल क्विज में या फिर एग्जाम फॉर्म में अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया। सो इन दिस वे यू कैन अपलोड दैट एनी फाइल, एनी डॉक्यूमेंट और एनी फोटो और एनी इमेज। सिंपल प्रोसेस। सो लेटर ऑन लास्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच टेस्ट आर यूज फॉर बैक्टेरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। तो ये चेकबॉक्स टाइप क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर के आपको खाली टिक या क्लिक करना है, सो दैट विल बी और दैट आंसर विल बी रिकॉर्डेड। तो ये हो गई आपकी पूरी एग्जाम सॉल्व, मतलब आप ये अटेंड की, आपने एग्जाम अटेंड की, लेकिन जैसे आप एक हदे हॉल में आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर शीट आपकी सबमिट करते हो, उसी तरह से ये भी आंसर शीट आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस सबमिट। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, दैट इज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो ये दो मैसेजेस भी वहां पे आपको मिल सकते हैं, दिख सकते हैं। तो अगर आपको लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है, गलत टाइप किया है, तो आप आपका जो रिस्पॉन्स है वो आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप अनदर रिस्पॉन्स यू कैन सबमिट यूर ऑनलाइन एग्जाम और पेपर और आंसर शीट, वी कैन सी हियर। और इसी तरह से मतलब इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, खाली इंपॉर्टेंट इसमें और थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो फाइल ऐड करना, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर इसमें भी कुछ आपको डिफिकल्ट लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट डाउट और दैट क्वेश्चन। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की वो दैट मे बी रिलेटेड टू, बिकॉज दिस इज एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी चैनल, सो दैट लेक्चर्स, दैट वीडियोज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड इन फ्यूचर, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।